राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हो, सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 8:30, तो स्नान मेरा हो चुका है। मैं आई हूँ छत पर अपने सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों को देखने के लिए। और तुलसी जी तो छत वाली सूख गई हैं, तो जीने पर रखी हुई तुलसी जी को जल मैं वहीं पर चढ़ाती हूँ। आज ना आज का कल मतलब कल आई थी मैं छत पर, तो गिलहरी के ऐसे उल्टे काम। मैंने आप लोगों को एक दिखाया था ना, कड़ी पत्ता का पौधा छोटा सा, और देखो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये इसने कल यहाँ से तोड़ दिया। इतना दुख हो रहा, दिख रहा आप लोगों को? सही में इतना दुख हो रहा ना मेरे को, बताओ इसे काट के उसे क्या मिला। पहले तो उसने इसकी ऐसी हालत करी, देखो कि इतना छिला, यहाँ छिला, यहाँ छिला, अब यहाँ से इसने ये, मैंने हटाया नहीं था, अब हटा देती हूँ, बेचारा दर्द हो रहा है इसको भी। और यहाँ पे नीले कलर के जो फूल आते थे ना, उसका मैंने पूरा हटा दिया था, एक डंडी सी बचाई थी, पर वो भी सूख गई। अब ये नए इसमें छोटे छोटे जड़ें बची होंगी जो होंगी ना, तो ये नए आ रहे हैं। अब ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, पर वो तो इसके तो पेड़ ही खा जाती है, और फूल तो आना दूर की बात है। बड़ा दुखी कर दिया हमको तो यार सही में गिलहरी ने। तो कल शाम को आए थे पानी देने के लिए, जैसा कि आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरे को बुखार हो गया, वायरल फीवर बहुत तगड़ा वाला, और अभी भी है, पर वो ठंड नहीं लग रही है जो ऐसा ठंड लग रही थी ना कि बहुत सारे कम्बल ओढ़ू रजाई ओढ़ू, तो वो ठंड मेरे को कल दिन से लगना बंद हो गया है, पर बुखार है अभी, दवाइयाँ खा रही। और कल मैंने सोचा था कि जाऊँगी डिस्पेंसरी, पर मैं नहीं गई, मैंने कहा छोड़ो, डिस्पेंसरी में भी हल्की पुल्की दवाई देते हैं, क्या जाना वहाँ। तो घर पे पैरासीटामोल पड़ी है, और बेटे ने भी मंगा दी थी वो डोलो वाली, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा मुझे। तो यहाँ पर मैंने पानी दे दिया है पौधों को, तो कल दिया था सबको। तो तुलसी जी कहीं कहीं पर मैंने बीज डाले थे ना, उन पौधों में उग रही है अब। अब देखो ये गिलहरी जो है, छोटे छोटे जो पौधे उगते हैं ना किसी भी चीज़ के, उखाड़ उखूड़ के सब उनका नाश कर देती है। और कड़ी पत्ता के पौधे पे बीज आने शुरू हो गए, आप लोगों को मैंने फूल दिखाए थे, अब बीज आ रहे हैं। इन पर मधुमक्खियाँ इतनी मंडरा रही हैं बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लग रहा। और गुलाब के फूल आप लोगों को दिखाती हूँ, देखना यार आजकल क्या हो रहा है, गुलाब 4-5 इकट्ठे खिल जा रहे हैं इकट्ठे। कल मैं ले गई थी 5 फूल, आज खिले हैं 3 फूल, मतलब 2 खिले, एक आधा खिला हुआ है, एक ये खिला है, कितना सुंदर, देखना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मेरा नाक बंद है लेकिन पूरा छत में महक आ रही है इसकी, इतनी सुंदर। और एक फूल यहाँ पर खिला है, यहाँ नीचे। अब मेरा मन है कि एक एक करके फूल खिलता तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए रोज़ ले जाया करती, पर क्या करूँ। अब देखो ना ये गिलहरी, देखो ये छोटी सी कली, उसने जाने कितनी तोड़ तोड़ के, अभी खा भी देती ना कोई बात नहीं था, ये होती कि यार चलो खा रही है, उसका पेट भर है, ऐसे बर्बाद कर देती है। और इन फूलों पर जाएगी कुतर 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 करके इनको नाश कर देती है। नहीं तो मैं क्या करती, अपने लड्डू गोपाल के लिए एक ही फूल ले जाती, बाकी पौधे पर ही छोड़ देती, क्योंकि छत पर जब भी आ रही हूँ ना अच्छा लग रहा है, फूल देख रही हूँ, पर क्या करूँ भाई। अब गिलहरी को तो कुछ नहीं बोल सकती, तो मैं क्या करती तोड़ तोड़ के, कल तो मैं 5 फूल लेगी अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो आज ये 2 खिल रखे हैं, एक आधा खिला हुआ है, अब वो कल खिलेगा, रखेगी गिलहरी तो कल ले जाऊंगी, नहीं रखेगी तो खा देगी, क्या कर सकते हैं। तो इन फूलों को ले जाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो अच्छा भी लग रहा है, चलो अपने गमले में है तो ये फूल भी खिल रहे हैं, जो भी खा रही है तभी खा रही है जब इसमें। हाँ एक और दिखाती हूँ मैं इसको, पहले टेबल पर रख लूँ ना इन फूलों को, जो मैं आप लोगों को बोली थी ना कि शरीफा का पौधा है, अब वो है किस चीज़ का पौधा, उस पर तो यार पता नहीं क्या आने लगे हैं। सच मेरे को कल देखे ना, मैंने इतनी खुश हुई, आप लोगों को दिखाती कि वो है क्या, आखिर शरीफा का ही पौधा है या फिर चीकू का है, आप लोग बताना। हाँ इस पर क्या निकलने लगे पत्तों के साथ साथ, ये होंगे नहीं होंगे, क्या है क्या पता, गिलहरी खा जाएगी सब कुछ। पर आप लोग देखो ना ये क्या आ रहा है इस पर, ये फल फूल क्या निकलने के, देखो गुच्छे में निकल रहे, यहाँ पर 3 निकले हैं, अरे रुक जा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 पत्ते अच्छे से निकले नहीं हैं। मैं कल शाम को पानी देने आई थी तो शाम में मैंने देखे, देखो गुच्छे में दिख रहे ना आप लोगों को, पूरे गुच्छे में सब पार्क है, ऊपर ही ऊपर आ रखे हैं। और नीचे तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने तोड़ दिए थे टहनी, ये टहनी ये टहनी ये टहनी ये सब नीचे वाली सारी टहनियाँ तोड़ दी,
तो मैंने ये कल शाम को देखा, मेरे को बड़ी खुशी हुई, भाई ये क्या है, अभी पता नहीं क्या आएंगे। फिलहाल तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा गिलहरी रखेगी वही खा जाएगी, पर मुझे अच्छा लग रहा है। और ये भी हरा भरा हो गया है, मतलब सारी कलियाँ इस पर खिल गई हैं। इस पर भी कभी कभार एक फूल दो फूल ऐसे खिल जाते। कल एक फूल खिला था, इस पर मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मैं 5 फूल तो गुलाब के ले गई, मैं कहा नहीं इसको इसी पर रहने, तो पौधे पे ही छोड़ दिया था। तो ये गमले में मैंने तुलसी का बीज डाला है, तो मुझे आज 2-4 वो दिख रहे हैं इस वाले गमले में ना, इसमें 2-4 पौधे हरे हरे छोटे छोटे दिख रहे हैं। और ये पौधे देखो कितने सुंदर हो गए हैं, इसकी ना नीचे से 2 कलियाँ देखो, अब ये खाने की तैयारी में हो गए गिलहरी के, नहीं खाएगी तो कितने अच्छे आ जाएंगे, इस पर पूरे बड़ा सा हो जाएगा। उसको तोड़ के मैं दूसरे गमले में भी लगा सकती हूँ, पर अभी ये खतरा मोल नहीं लूँगी मैं, क्योंकि पागल है ना हमारे घर की ये जो गिलहरी है, इसने तो बड़ा परेशान कर रखा है हमें, तो अभी नहीं तोड़ती हूँ। अगर थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा फिर तोड़ के एक गमला खाली है हमारे जीने पर ना, जिसमें मैंने वो लगाई थी गुलाब की कली, गुलाब की कली आपको दिखाई, वो उसने खा दी थी, उसके बाद फिर उस पर आई नहीं, फिर मैंने वो डंडी जो है धीरे धीरे ऊपर से सूखने लगी थी, मैंने हटा दी, और इसके सारे फूल यहाँ से सूख गए हैं। ये देखो ये गिलहरी के करामात, फिर से ये वाला भी उसने खाया, यहाँ से देखो दिख रहा है, पता नहीं मेरे हाथ कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखो कितना इतना खा गए यहाँ पर। तो ये नया जो आया था इस पर फूल खिले हैं, तो ये भी कुछ दिन रहेंगे, और ये तो मेरे बस की नहीं है भैया, ये करेंगे ठीक करेंगे जब भी करेंगे। बेल का पौधा जो उसने यहाँ से तोड़ दिया था, फिर नीचे से सब जगह से इसको भी खुरच खुरच के खा रहा है, तो अभी इतना बड़ा हो गया। तो मैं क्या करती हूँ ना, यहीं पे ही मतलब रोज ही मिट्टी का ही एक छोटा सा शिवलिंग बना के इसमें पानी चढ़ा देती हूँ। ऐसे हमारे गुरुजन हमारे कथावाचक बोलते कि आप वैसे तो किसी भी पौधे के नीचे ऐसा कर सकते हो, पर आपके घर में अगर बेल का पौधा आपने गमले में लगा रखा है तो वहीं पे एक छोटा सा शिवलिंग हाथ से बना के यहाँ पर आप पानी चढ़ा सकते हैं, भोले जी को जल दे सकते हैं। ये यहाँ पे एसी की सर्विस हो रही है, एसी की सर्विस हो चुकी है, पहले आपने देखा होगा कितना गंदा सा डस्ट था, क्योंकि हमने इसको आजकल ना साफ नहीं किया बाहर से कपड़े से, फिर अंदर से इसकी सर्विस करनी पड़ती है। और अब चला रखा, ऑन कर रखा है, मतलब कूलिंग चेक करने के लिए, तो बढ़िया चल रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो अभी इसे मैं कर रही हूँ ऑफ, बस कुछ ही दिनों बाद इसकी भी आने वाली है बारी, तो इसलिए सर्विस करने वाले जो लोग हैं ना, ये बाद में हमें बहुत कम मिलते हैं, तो दिक्कत होती है। तो आज तो अभी बुक किया बेटी ने उनको, मतलब अभी ये जल्दी पहुँच गए तो होगी कूलिंग, एक काम ये भी हो जाता बहुत बड़ा वाला। अच्छी हवा आ रही है ना बेटा, कूलिंग कर रहा है, ठीक कर रहा है। डर लगता है जब भी सर्विस करते हैं ना कि कहीं कुछ बता नहीं था, भैया उनके हाथ में होता है, मतलब हाथ में क्या होता है, कुछ भी पुर्जे पारजे बिगड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चीज़ होती है इन पर ऐसी होता है, पर बोला कि सही है, बाकी आके देखेंगे क्या होता है। तो ठंडी ठंडी हवा, जुकाम भी हो रहा है, कहाँ बेटा बंद कर रहे, अच्छी ये रहा ये इसे करते ऑफ, बस सही हो रहा है।